राजा येशु स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ आ रहा है, अपने संग वो आनंद शांति और जीवन लाया है। अपने दिल हम कदमों में सारे ही उसके बिछाते, तैयारी करे वक्त आया यीशु से मिलने का। जयकार हम करे आराधना करे आदर और सम्मान से दिल से प्रशंसा करे। जय जयकार हम करे आराधना करे आदर और सम्मान से करे राजा येशु स्वर्गीय दूतों के संग आ रहा है, अपने संग वो आशीष चंगाई प्रेम लाया है। अपने दिल हम कदमों में सारे ईश्वर का वचनों को सुनने के बावजूद भी बिल्कुल मन भिराव नहीं। प्रिय भाई तुम्हारा आखिरी जगह वहां पर है, प्रिय बहन तुम्हारा आखिरी जगह वहां पर। राजा येशु स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ आ रहा है। कितने लोग खुश है आज? प्रभु के लोगों के जीवन में एक विशेषता है, कितना भी दुख आ जाए, कितने भी उनको हालेलुया परेशानी आ जाए, अगर पवित्र आत्मा अंदर में है तो वो दुखी अवस्था में नहीं बैठ सकते। हालेलुया, वो खुशी में मगन होगा, आनंद में मगन होकर शैतान का दुखों को निराशा को क्या करेगा? भगा देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। हम जल्दी से परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे, मत्ती रे सुसमाचार 13वें अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, एक शॉर्ट मैसेज हम सुनेंगे 13वें अध्याय उसका 49 और 50 हम जल्दी से पढ़ेंगे। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देवे। हालेलुया, अंध के जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। हालेलुया, अभी दुष्ट भी जी रहा है, धर्मी भी जी रहे हैं। मैं थोड़ी देर का पहले बोला अंबानी का मिसेस 1,00,000 रुपया का चाय पिएगी सुबह, शाम को भी 1,00,000 रुपया चाय, क्या होगा वो 1,00,000 रुपया का चाय। हालेलुया, और जब जब मन लगेगा तो 5 चाय पीना है तो 5,00,000 रुपया, लेकिन आपको 5 रुपया। हालेलुया, अभी धर्मी लोग भी दुनिया में है, दुष्ट लोग भी दुनिया में है,
राम रहीम मस्त जी रहा था ना, अभी जेल में और मस्त है। 70वें साल के बाद उम्र कैद शुरू होंगी। ओहो, कितने साल के बाद? अभी 61 साल कुछ है उसका। हालेलुया। 9 साल के बाद 70 साल में पहुंचेगा, तब राम रहीम को क्या मिलेगा? उम्र कैद। उसका मतलब वो बाहर कभी नहीं आ सकता। उसका बड़ा भाई भी दूसरे जेल में है, उसका नाम आप बता सकते हैं? आशाराम बापू। हालेलुया। तो इस दुनिया में परमेश्वर प्रियो ऐसे लोग रहते हैं जो है हालेलुया दुष्टता करने वाले लोग। हालेलुया। वो जेल के अंदर में जाने के पहले कैसे सुख विलास में रहते थे, सीधा महल के अंदर से अंडरग्राउंड लड़कियों के घर में। हालेलुया। वाह 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 वाह। टॉर्च जला के आज का शिकार कौन है? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मंदिर कितना पवित्र है। यीशु मसीह ने कहा रोड से जाने वाले लड़की को अगर गलत रीति से देख लिया है तो तू मन में क्या किया है? बेविचार कर चुका है। हालेलुया। और मेरा कहने के मतलब प्रिय भाइयों बहनों, धर्मियों को दुष्टों से अलग करने वाला दिन नजदीक है। अगल बगल वालों को हाथ मिलाकर बोलो नजदीक है, सुधरो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धर्मी धर्मी, दुष्ट दुष्ट। हालेलुया। दोनों को परमेश्वर अलग करेगा। हालेलुया। अलग नहीं होना चाहते तो स्वर्गदूत आकर क्या करेगा? अलग करेगा। हालेलुया। फिर क्या करेंगे? और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। 2000 साल के पहले से यीशु मसीह ने कह दिया है, हालेलुया, रोने का और दांत पीसने का एक जगह में संसार का दुष्टों को डालने वाला है। यीशु मसीह को सच्चे रीति से वचन में हमने कहा जानने से कोई मतलब नहीं, कलीसिया के अंदर में बैठने से कोई मतलब नहीं, अंदर से पाप का राज को क्या करना है? हटाना है। हालेलुया। यीशु को जानने से कोई प्रयोजन नहीं, यीशु को पहचानना है। यीशु को जानने वाला कलीसिया में आराधने में आएगा, जो भी देना है दे देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन बाकी 6 दिन में अपना पुराना गंदे काम भी करते रहेगा। उस ग्रुप यीशु को जानता है, लेकिन यीशु मसीह को पहचानने वाला ग्रुप जो है 7 दिन पाप से दूर रहेगा। अगर बाई चांस बोलने में, देखने में, करने में छोटी सी गलती अचानक आ गया है तो वो कमरा की ओर भागेगा, नहीं तो जहां खड़ा है खड़ी है वहां पर बैठकर नेटवर्क, हालेलुया, स्वर्ग से प्रभु मैं वो बात नहीं भूलना था, वो काम नहीं करना था। अगर पवित्र आत्मा अंदर में है तो पश्चाताप आ जाएगा, तूने जो किया है वो बुरा है, क्षमा मांगो प्रभु से। वो यीशु को पहचानने वाला ग्रुप है। वो धर्मी करके यहां पर कहा है, वो जो है यीशु को पहचानने वाला ग्रुप है, यीशु मसीह को जानने वाला ग्रुप, और दुनिया का दुष्ट लोग, उसका मतलब जो यीशु को नहीं जानता है, जो महंगे अवस्था में रहते, ये सब उसमें चपेट में आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए अगर बगल वालों को हाथ मिलाकर बोलना है, यीशु को जानना नहीं बहन भाई, यीशु को पहचानना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। वो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, 15 मिनट है मेरे पास। हालेलुया, 20 मिनट है। प्रेज द लॉर्ड। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऊपर का वातावरण अलग है, पृथ्वी का नीचे का वातावरण अलग है। पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊपर से, नहीं तो 35,000 फीट ऊपर से प्लेन उड़ता है। प्लेन के अंदर में हालेलुया अच्छा वातावरण है, हालेलुया ठंड रहता है, एसी है, लेकिन प्लेन के बाहर में
आप सोचते हैं सूरज से जितना पृथ्वी की ओर आएगा बढ़िया वातावरण है, हालांकि ऊपर जाएगा तो सूरज के पास जाएगा तो गर्मी बढ़ेगा नहीं। प्लेन के अंदर में एसी है, प्लेन का बाहर में एसी नहीं है, वहां पर -20 के आसपास हालेलुया ठंड है, बर्फ है माइनस, हालेलुया -1 के बाद फिर बर्फ जमना शुरू हो जाएगा, हालेलुया। पर 20 अवस्था -20 में बाहर का हालेलुया वो आसमान का वातावरण आप सोच के देखो कितना ठंड होगा, हालेलुया कितना हालेलुया अवस्था प्रेस द लॉर्ड बाहर का हालेलुया गर्मी भी होगा हालेलुया, लेकिन ठंड होगा ऊपर में ठंड होगा हालेलुया। -20 की अवस्था में होंगे बाहर में, वहां इंसान रह नहीं सकता, हालेलुया। लेकिन पृथ्वी के निचली भाग में उतरेगा तो भयानक चीज है प्रिय भाइयों बहनों, प्रेस द लॉर्ड। 1955 हालेलुया, 1978 हालेलुया, और 92 तक हालेलुया वैज्ञानिक लोग पृथ्वी को कई जगह में खोदा हालेलुया, लेकिन वो परिश्रम हालेलुया व्यर्थ हो गया, हालेलुया। इंसान खोद नहीं पाएंगे, आखिरी में मजदूर भी भागा, क्यों भागा है, टाइटैनिक करके जो ड्रिल है वो 1650 सेंटीग्रेड में भी कैपेसिटी, उसका मतलब इतना गर्मी में भी वो वहां खड़ा रहेगा। प्रेस द लॉर्ड। 100 डिग्री में क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, पानी उबलता है, हालेलुया। 35,000 हालेलुया प्रेस द लॉर्ड, 35,000 हजारों से ज्यादा गर्मी उसके बल अनुमान है सूरज के अंदर का गर्मी, प्रेस द लॉर्ड। वो मेरा कहने के मतलब इधर 42-48 आएगा तो लोग परेशान हो जाते हैं। वो पृथ्वी में 12 किलोमीटर निचली भाग में हालेलुया, वैज्ञानिक लोग कई बार इसको होल्ड करने के लिए कोशिश किया, लेकिन आखिरी कोशिश के बारे में वैज्ञानिक लोग ऐसा बोलता है टाइटैनिक ड्रिल जो है वो सबसे तेज है, 1650 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मतलब गर्मी में भी वो क्या करेगा खोते रहे, लेकिन 1650 से ऊपर आ जाएगा तो टाइटैनिक ड्रिल मिशन भी क्या होगा गल जाएगा करके लिखा है, हालेलुया। और मेरा कहने के मतलब आखिरी कोशिश में 1650 के आसपास में पहुंच गया है, हालेलुया। उस समय में नीचे से कोई पकड़ कर नीचे की ओर खींच रहे, उनका ड्रिल को नीचे से खींच रहे, और हालेलुया उसी समय पूरे हालेलुया मजदूर लोग वहां से भाग्य करके वहां पर हम देखते हैं, हालेलुया। उसका मतलब अगर ये खींच रहा है मिशन को, थोड़ी देर के बाद हमको भी क्या करेगा जिंदा उसको खींच लेंगे। मेरा कहने के मतलब उसी समय वहां से भयानक आवाज आया, उस आवाज आप कई बार सुना है, एक और बार आप हालेलुया सुनो ताकि भयानक दिन आने वाला है, हालेलुया। बीच में से भाइयों बहनों, ये पृथ्वी के निचले भाग से वैज्ञानिक लोग
और सुने हुई आवाज है। ये आवाज सुनते ही उनका ड्रिल मशीन को भी नीचे खींचने के लिए दबाव कर रहा है नीचे से। तो मेरे कहने के मतलब 2000 वर्षों से यीशु मसीह कह रहा है पृथ्वी के निचली भाग में हालेलुया दो लोग है परिश्र, और लेकिन दुनिया के लोग हंसते थे। लेकिन याद रखना उस आग का झील है, मैंने आपको बताया आसमान में जितना ऊपर जाएगा ठंड लगेगा आपको, लेकिन जितना नीचे जाएगा उबलेगा। हाल यह गर्म है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबलेगा। 1650 का ड्रिल भी हाल है लुइया पिघल गया है। वो आप 12 किलोमीटर मात्र जाने के बाद यही बात है, तो 50 किलोमीटर अगर नीचे जाएगा तो क्या हाल होगा। इसलिए उस जगह में एक दिन लोग जाएंगे। कौन जाएंगे? जो आज दुष्टता करने वाले लोग, आज परमेश्वर का वचनों को सुनने के बावजूद भी बिल्कुल मन भिराव नहीं। प्रिय भाई तुम्हारा आखिरी जगह वहां पर है, प्रिय बहन तुम्हारा आखिरी जगह वहां पर है। हालेलुया, यहां पर यीशु मसीह ने कहा हालेलुया मत्ती परिसरोड जो 22 में 13 में हम देख रहे थे उसका 49 और 50 में जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, मिलकर पढ़िए, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। आज हमारा मामा चाचा काका सब अभी रो रहे वहां पर। आज जो जिंदा नहीं है, जो यीशु मसीह के बिना गया है, यीशु मसीह को जानने से कोई मतलब नहीं, यीशु मसीह को पहचानना है। हालेलुया, यीशु मसीह को जानने वाले लोग भी वहां गया है। यीशु मसीह का मंदिर में एक बार भी आया नहीं, वो भी वहां पर है। हालेलुया, उनका आवाज आपने थोड़ी देर के पहले सुना, हालेलुया। वैसा एक दिन आप भी वहां पर अगर नहीं जाना है तो उस झुंड में आप नॉन स्टॉप हालेलुया मुंह खोलकर हालेलुया दिन और रात 24 घंटा मुंह बंद नहीं होगा। वैसा जगह में अगर नहीं जाना है तो यीशु मसीह का वचनों को सुनकर उनके मार्गों में चलकर प्रभु की महिमा करें। शुक्रवार का दिन मस्त क्लास होता है, आप लोग मस्त हाली मनोरंजन के सामने बैठने का समय है। यहाँ पर यीशु का ऐसा वचन, 2 सप्ताह जो आए हुए लोग केरल से लोग फोन करके, ताकि ऑनलाइन सेवा शुरू हो गया, ऑनलाइन बाइबल स्टडी शुरू हो गया। यहाँ पर सुनाने वाला वचन दूर में 2,500 किलोमीटर दूर में बैठकर लोग बोलता है पास्टर हमको भी पढ़ना है। हालेलुया, लेकिन बगल में रहने वाले लोग घर में ही बैठते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, वो याद रखना उस आग में अग्नि में कुंड में हालेलुया अगर नहीं जाना है तो प्रिय भाइयों बहनों हम पूरी तौर से मन फिराए। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय जल्दी से प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12 से हम देखेंगे। सभी लोग उस जगह में पहुंचे, प्रेज द लॉर्ड, सभी लोग उस जगह में हालेलुया। हालेलुया, 20 अध्याय का 12 से हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, और सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई जी, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जब तक उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उन में से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। समुद्र में मतलब पानी में, समुद्र में जहाज डूब गया, नहीं तो नाव डूब के खत्म हो गया, नहीं तो नदी में कूदकर, कुआं में कूदकर, तालाब में डूब के मर गया। वो पानी में जितने लोग मर गया है, ये पानी उनको हैंड ओवर करेगा। जमीन में मरकर जिनको जहां फेंक दिया है, जहां गाड़ दिया है, जहां जला दिया है, ये जमीन हैंड ओवर करेगा। हालेलुया, ये दोनों विभाग है दुनिया में, पानी में और जमीन में।
प्रश्न कोई भी एक जगह में होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लादान, लादान को कहां पर डाला है? समुद्र में, सबसे निचली भाग में, पता नहीं है अमेरिका कहां पर डाल कर रखा है। हालेलुया। ओ, ये पानी में, जमीन में जो मरने वाले लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड हैंड ओवर करेगा। उसके नीचे हम देखते हैं भाई, एक एक लोगों का, एक 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 लोगों के कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। और 14 मिल का मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, याद रखना। दो मृत्यु है, एक दुनिया में रहने के समय, हालेलुया, दूसरा प्रतिष्ठा लौट, एक और मृत्यु है। हालेलुया, हर एक इंसान को ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। और यहाँ पर पहचानने वाले लोग भी है, जानने वाले लोग भी है। जानने वाले लोगों का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, ताकि क्या है, इनमें परमेश्वर को भरोसा नहीं है। अभी यहां पर है, थोड़ी देर के बाद आईओटी में जाएंगे। कोई भरोसा नहीं है, ये व्यक्ति कब पलटेगा, ये व्यक्ति कब गाली देगा, ये व्यक्ति कब गलत काम करेगा। याद रखना, स्वर्गीय मन्ना में आने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्गीय मन्ना में आए हुए लोग यीशु को पहचानने से स्वर्ग मिलेगा। मैं किसी का टेका नहीं लेना चाहता। हालेलुया, जो जिएगा वो यीशु के साथ राज करेंगे। हालेलुया। मैं आपको हमेशा नहीं देख सकते, मैं संडे में आपको देखता हूं, कभी कभी देखते हैं, लेकिन आपको हमेशा देखने वाला प्रभु से आपको कार्य है। आपका पत्नी, आपका बच्चे कभी भी आपके साथ हमेशा नहीं है, लेकिन यीशु आपका हर विचारों को भी जानता है। बहुत सोच समझ के आगे के दिनों में जीवन बिताना। दूसरा तस्वीर, हालेलुया, मैं वर्णन नहीं करना चाहते ताकि अगला प्रचार के लिए जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा हालेलुया तस्वीर, पहला अध्याय में जल्दी से आइए। हालेलुया, दूसरा तस्वीर को पहला अध्याय, उसका 7 वचन से लेकर हम 10 तक जल्दी से मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। हालेलुया, याद रखना। अरे कितने लोग क्लेश सहते हैं, छोटा मोटा बड़ा, हाथ उठाइए ना, सभी लोग हैं। लेकिन एक दिन स्वर्ग में आपका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ ददकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। यीशु मसीह आने के समय उनका सामने से इतना अग्नि, ददकते हुए अग्नि फेंकेगा। सामने कोई आएगा तो गया। हालेलुया। और मेरा कहने के मतलब, इतना सामर्थ्य के साथ, प्रकाश का बात अलग है, अग्नि का बात अलग है। उस अग्नि में आप इतना समय के अंदर में, आंख बंद करके खोलने के समय के अंदर में, उस आग में आप भी शामिल हो गया है। एलिया कैसे तुरंत गायब हो गया, उससे भी फास्ट में आप गायब होगा। एलिया को देखने के लिए थोड़ा बहुत एलिजा को समय मिला है। हालेलुया, वो अग्नि में रहता आया था, लेकिन ये यीशु खुदा रहा है, फुल पावर में आएगा। 8 वचन में लिखा है, और जो परमेश्वर को, हाँ यही बात है, ये तो मुझे मालूम नहीं था, मैं इसको पढ़ा भी नहीं है, समय भी नहीं था, कुछ वचन याद आया लिख के आ गया, खोल के भी नहीं पढ़ा। लेकिन पवित्र आत्मा, देखो जो बोलने वाला बात मुंह से आता है, पहचानना चाहिए, जानने से कोई मतलब नहीं है। और जो उस ददकती हुई अग्नि में प्रभु स्वर्ग से प्रकट होने का समय, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। हालेलुया, फिर देखेगा 1 लाख का चाय कहां से पिएंगे। ये हालेलुया, आचारा बाबू, ये कौन है, राम रहीम, तुम अभी कैसे हो जेल के अंदर में, पहले का जैसे फिल्म एक्टिंग करने का मन आ रहे, नाचने का मन आ रहे, सुख विलास हालेलुया नहीं मिलेगा। वहां जाने से
वो अग्नि कुंड में शैतान का दूध लोग ऐसा तमाशा करेगा, एक सेकंड भी उसको क्या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखो, पलटा लेने का समय आ रहा है। नवा वचन में लिखा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर आनंद विनाश का दंड पाएंगे, सदा सर्वदा मर कपट्टी में रहेगा। भयानक दिन। जब मैं वचन पढ़ा और ये वीडियो भी देखा, मैंने बोला मेरे पापा, मेरे बहन, मुझे लग रहा है प्रभु के पास गई होगी, ताकि वो सबसे पहले एक रोमन कैथोलिक चर्च में गई, उस समय में उसको इतना मारा है, हैं? हम अन्य जाति हैं, हमारा भगवान लोग रहते हैं, तुम चर्च में क्यों गए, इतना मारा उस समय में, माँ को भी बहन को भी ऐसा पुलिस टाइम में मारते थे, गाली मेरे मुंह से भयंकर था, एक मारेगा तो दो तीन बार घूमेगा, मैं उसको खूब मारा चर्च जाने से, लेकिन आज वो जीवित नहीं है दुनिया में। वो कई बार छुपे छुपे शुक्रवार का दिन चर्च जाते थे, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है वो जरूर वहां पर होंगे, लेकिन मेरे पापा का कोई ठिकाना नहीं, पापा गया, हालेलुया, मम्मी पागल होकर कही है, लेकिन प्रभु का वायदा है वो आएगी। कितने लोग देखना चाहते हैं मां से, हालेलुया, वो आएगी, परमेश्वर उसको लाएगी। और मेरा कहने के मतलब, प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत विनाश का दंड दंड पाने वाला जगह है। दस बलिका है, ये उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाए और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब घर में जाकर इन वचनों को पढ़ना, मत्ती 25 का 19 से 33 लिख कर रखना है। हालेलुया, मत्ती 25 का 19 से 33 तक आप घर में जाकर पढ़ना, मत्ती 13 का 39 आप घर में जाकर पढ़ना, मत्ती 25 का 5 से लेकर 12 घर में जाकर पढ़ना, मत्ती 24 का 31 घर में जाकर पढ़ना, मत्ती 22 का 12 से लेकर 14 घर में जाकर पढ़ना, ताकि समय खत्म। हालेलुया, हम अपने आप अपने आप को इस वचन के सामने समर्पित करेगा। हालेलुया, सभी लोग अपने हाथ उठाकर समर्पण करें। हालेलुया, प्रभु जी यीशु मसीह को जानने से हालेलुया काफी नहीं है। अन्य जाति से भी पूछने पर वो कहेगा यीशु को जानते हैं, हाँ जानता हूँ, ईसाइयों का प्रभु है वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो सबका प्रभु है। हालेलुया, सबका मालिक एक एक करके लोग बोला है, व्यक्ति ने कहा है, लेकिन वो कौन एक करके ढूंढा नहीं। सबका मालिक एक एक करके सभी लोग बोलता है, दुर्ग जाने के लिए कई रास्ता है, कोका से भी सुपेरा से खोका से घूमकर दुर्ग जा सकते हैं, सीधा गहरे रोड से दुर्ग जा सकते हैं, जेल रोड से दुर्ग जा सकते हैं। हालेलुया, और हमारा प्रेस्टल लॉर्ड कौन सा रोड है, रुवांडा से भी दुर्ग जा सकते हैं, पोर्सी से भी दुर्ग जा सकते हैं, हालेलुया, राजगंज गांव से भी दुर्ग जा सकते हैं, दुर्ग जाने के लिए हमारा गंज पारा से भी दुर्ग जा सकते हैं, हर जगह से दुर्ग जा सकता है, लेकिन हालेलुया, वो एक मार्ग कोने करके जानना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, आपका वचनों को सुनने के लिए आपने सहायता किया, ज्यादा सुनने का जरूरत नहीं प्रभु जी, ज्यादा खाना खाने से हालेलुया पेट गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर थोड़ा सा खा लिया है तो भी वो स्वादिष्ट भोजन होना चाहिए। परमेश्वर हालेलुया, वचन एक भयानक वचन है परमेश्वर, ये हालेलुया आनंद विराज की ओर हमको ले जाने वाला हालेलुया वचन है। ये वचन अगर यीशु को पहचाने का नहीं, ये वचन हमको एक दिन दंड देगा, हम अनंत विनाश की ओर जाएगा, अगर ये वचन को हम गहराई से मनन करके यीशु मसीह को पहचानेगा, ये वचन अनंत जीवन की ओर हमको ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर, जितने लोग आज ये
कलीसिया में बैठकर वचन सुनते हो और जो स्वर्गीय बन्ना टीवी के द्वारा जो दुनिया में विश्व में जो लोग अभी सुनेंगे ये वचन परमेश्वर उनका जीवन में भी कार्य कर परमेश्वर हर प्रकार के पाप का रास्ता को यीशु का लहू से लोग काट में पाए। अगर थोड़ा बहुत भी पाप का स्वभाव हमारे अंदर में है तो वो पाप गर्भवती होकर और बढ़ेगा। परमेश्वर हालेलुया उरक्कम फमना रंथल कटगा परमेश्वर जो जो प्रभु जी नाग है हालेलुया उनका प्रतिष्ठा लॉर्ड जो स्त्री प्रजाति जी है प्रजाति है उसका नाम मैं नहीं जानता हिंदी में प्रभु जी उसको 80 बच्चे होता है 80 बच्चे होता है एक बार और वो मिट्टी में चुपके रहकर लोगों को हालेलुया नष्ट करेगा। परमेश्वर इतना खतरनाक मोड में शैतान लोगों को नशा में दुनियादारी में फंसाया है। आज वचन सुनने वाले लोग पूरी तौर से मन फिराकर प्रभु के पास आने पाए उस दिन दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा स्वर्गदूत आकर जबरन अलग करेगा। परमेश्वर हालेलुया ने थोड़ी देर के पहले सुना वो वैज्ञानिक लोगों का प्रयास वैज्ञानिक लोग बाद में बताया अब मजाक उड़ाता था बाइबल का 2000 साल मजाक उड़ाता रहा लेकिन हमको अभी पता चला है यीशु का वचन सत्य है। पृथ्वी के नीचे अटो लोग है हालेलुया भयानक अग्नि है। अगर 1650 हालेलुया प्रभु जी 12 किलोमीटर दूरी में प्रेस्ट लोड 1650 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है तो परमेश्वर 25 किलोमीटर के अंदर में क्या होगा 50 किलोमीटर गहराई में क्या होगा 100 किलोमीटर गहराई में क्या होगा लोग वर्णन नहीं कर सकता। हालेलुया उसके नीचे हमारे पूर्वज लोग रो रहा है प्रभु जी दिन रात रोते हैं प्रभु उनको सुसमाचार सुनने का मौका नहीं मिला उनका गांव में यीशु का प्रचारक नहीं गया उनका नगर में यीशु का प्रचार नहीं गया उनका घर में कभी भी यीशु मसीह का एक दास का एक भक्त का एक बहन का हाल्य पाव नहीं रखा प्रभु जी लेकिन हमको इतना अच्छे वचन मिल रहा है हमको गहराई से मिल रहा है वचन। अगर वचन मिलने के बावजूद भी हम अहंकारी होकर हम यीशु मसीह को पहचानना नहीं चाहेगा आने वाले दिनों में कितना बड़ा दंड हम पाएंगे। इसलिए प्रभु जी कलीसिया के अंदर का लोग कलीसिया का सुनने वाला बाहर का लोगों से भी बातचीत कर परमेश्वर अपना हर प्रकार के पाप का रास्ता को छोड़कर आज एक निर्णय लेने पाए। प्रभु जी हाल लिए मैं मेरे हाथों को उठाता हूँ मेरे पापों को क्षमा कर परमेश्वर मुझे यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर परमेश्वर आगे का मेरे जीवन का अगुवाई प्रकाश परमेश्वर का प्रकाश और सच्चाई मेरा अगुवाई करने पाए। प्रभु परमेश्वर आपने इस प्रार्थना को सुना इस वचन को सुनने वालों को बड़ी आशीर्वाद दिया और उनका मन को आपने फिराया धन्यवाद परमेश्वर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीर्वाद राजा यीशु स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ आ रहा है अपने संग वो आनंद शांति और जीवन लाया है अपने दिल हम कदमों में सारे ही छाते
आराधना करे आदर और सम्मान से दिल से प्रशंसा करे जय जयकार करे आराधना करे आदर और सम्मान से दिल से प्रशंसा करे।